मंगल, बेटा कार्तिक की हालत खराब थी, अब ठीक है वो? हाँ मम्मी, अभी ठीक है। आज ये बहुत इतरा रही है, तितली बनी घूम रही है, कभी रंगे कपड़े, कभी स्टेज पर जाके गाना गाना। मम्मी, लक्ष्मी ने कार्तिक का मजाक बनने से रोका। ए मंगल, रहन दे, आजकल इसके रंग ढंग सब बदल रहे हैं। एक बार कार्तिक दिख जाए बस तुरंत उसके साथ जाके खड़ी हो जाती है। अच्छा, मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? मैंने देखा है सारे में बात कर रही है ना? ओ, तुम दोनों का हो गया हो तो मैं निकलूं। लक्ष्मू, चल लिपिका, गायत्री से भी मिलके जाना है। अच्छा मंगल सुनो, मैं निकलती हूँ, शाम को फोन करती हूँ तुम्हें। नमस्ते जी। नमस्ते दीदी। ये आंटी कौन थी? लक्ष्मू, आज बहुत कुछ हो गया है। गायत्री, आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। दोबारा फटकने मत देना उस लड़की को कार्तिक के आसपास। बड़ी चालाक है वो लड़की। हमें तो डर है कहीं कार्तिक को फंसा कर उससे शादी ना कर ले। जी जी, उससे पहले तुम कार्तिक की शादी अपनी पसंद की लड़की से कर दो। कैसे कर दो जी जी? कार्तिक के लायक कोई लड़की दिखती नहीं है मुझे। है ना एक, हमारी लक्ष्मी। गायत्री, हम पहले भी लक्ष्मी के बारे में बात कर चुके हैं, तुमने देखा नहीं कैसे सबके सामने उसने कार्तिक को संभाल लिया। कुछ भी बोलो, उस लड़की में दम तो बहुत है, वो कार्तिक की सच्ची साथी बन सकती है। वरना ठीक है, मिल जाएगी कोई जिया जैसी जो मधुमक्खी की तरह अच्छे लड़के को देखकर चिपक जाती है। गायत्री, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर ऐसा कह रहे हैं। आज त्योहार है, अच्छा दिन है, हमारी मानो तो मंगल से कार्तिक और लक्ष्मी के रिश्ते की बात कर दो। मंगल जिस तरह लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढ रही है ना कहीं रिश्ता पक्का कर ही देगी। क्या? मेरा रिश्ता? हाँ लक्ष्मी, बहुत अच्छे लोग हैं, खानदानी है और लड़का बैंक में मैनेजर है। नहीं 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 दीदी, प्लीज आज के दिन तो कोई रिश्ते विश्ते की बात मत करिए। और आप क्या दिन भर यही कर रही थी क्या? लड़कों पे नजर रख रही थी क्या? लक्ष्मी, वो खुद आई थी तेरे लिए पूछने, मैंने कोई हाँ वहाँ नहीं किया उनको। वो तो लड़के वालों ने खुद आगे बढ़कर पूछा, तो मैंने सोचा तुझसे भी पूछ लूं। और तू हाँ कहेगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना लक्ष्मी। तू मुझे खुलकर बता सकती है कि तुझे ये रिश्ता ठीक लग रहा है या नहीं, और अगर कुछ है तेरे मन में तो वो भी बता दे। नहीं दीदी, मेरे मन में कुछ नहीं है, आपकी हाँ तो मेरी हाँ, आप बस देख लीजिए, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और मेरी प्यारी दीदी, अगर आप खुश तो मैं भी खुश। इसने कार्तिक की कोई बात नहीं की और सब मुझ पे छोड़ दिया। मैं ही शायद दोनों को लेकर गलत फहमी पाल रही थी। क्या हुआ दीदी, कुछ सोच रहे हो क्या? कुछ नहीं लक्ष्मी, तुझे मुझ पे भरोसा है तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मम्मी से बाद में बात करूंगी, पहले अम्मा और मौसी जी की राय ले लेती हूँ। गायत्री, शुभ काम में देरी क्यों करनी, चलो एक बार मंगल की भी राय जान लेते हैं। हाँ आओ। लो, मंगल भी आ गए। अम्मा, मौसी जी, आपसे लक्ष्मी के सिलसिले में बात करनी थी। लो कर लो बात, हमें भी तो तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। पहले तुम बताओ तुम्हें क्या बात करना। ठीक है अम्मा, बात ही कुछ ऐसी है, आप दोनों की राय जाननी थी। लक्ष्मी के लिए एक रिश्ता आया है। क्या क्या बताऊं अम्मा, बात ही कुछ ऐसी है, इतना अच्छा रिश्ता आया है, समझ लीजिए कि मौसी जी की वजह से ही बात बन रही है। मौसी जी, आपकी वो पहचान वाली है ना माया जी? हाँ। तो उनको यहीं से पता चला, शायद आप दोनों ने बताया उनको कि लक्ष्मी मेरी बहन है, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए जो कि बैंक में मैनेजर है
उसके लिए लक्ष्मी का हाथ मांगा है। तो कह रही थी कि दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए उनको, तो बताइए क्या बात आगे बढ़ाई जाए? क्या हुआ, ठीक नहीं है क्या वो लोग? ना कर दूं क्या? हाँ मंगल, हाँ मंगल, अच्छा रिश्ता है, हाँ कर दो। सालों से जानती हूँ मैं माया को, खानदानी लोग हैं, लक्ष्मी बहुत खुश रहेगी वहाँ। मम्मी, आई। मौसी जी, आपने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। मैं अभी आई। अम्मा, आप कुछ कह रही थी क्या? हाँ मंगल, हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी देर में हम घर चलेंगे, तो बच्चों को बुला लो, जाओ। जी जी जी, आप सोच रही होंगी कि मैंने कार्तिक की बात क्यों नहीं उठाई। शायद मंगल का यहाँ पर दूसरा रिश्ता लेकर आना माता रानी का संकेत था। जी जी, कार्तिक और लक्ष्मी की शादी नहीं होनी चाहिए, वरना मंगल अभी यहाँ क्यों आती जब हम उससे बात करने के लिए जा रहे थे। इतनी मेहनत करते हैं, आज होली के दिन भी काम करने बैठ गए। हैप्पी होली, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब कलर लगाओगी। हैप्पी होली आदि जी। आज होली अच्छी रही ना? बच्चों ने कितना मजा किया, सब लोग कितने खुश थे, सबका एक साथ खाना खाना, गाना बजाना, होली की बात ही अलग है, सबको साथ ले आती है। लक्ष्मी के गाने को सबने कितना पसंद किया ना, आपको पता है उस गाने के गीत उसने खुद लिखे। आदि जी, आपको एक बात बतानी थी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरी लक्ष्मी के लिए एक रिश्ता आया है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके ही हाँ करूँगी। वैसे तो गायत्री मौसी के जान पहचान के ही लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना। आप सुन रहे हैं ना, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या कुछ? हाँ, मैं क्या बोलूं चाची जी, मंगल दीदी रिश्ता लेकर आई है, उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तो बस हाँ बोल देना, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। और कार्तिक के आगे पीछे ना घूमना बंद कर, जब मौका मिले लपक लेती है कि बस कैसे भी करके कार्तिक फंस जाए तेरे चक्कर में, है ना? ये सब क्या बोलती रहती हो तुम दीपिका? लो, आ गई बहन चढ़ाने के लिए। हेलो। हाँ दीदी। दीदी,
मिल गई अब आपको फुर्सत। सॉरी लक्षु, पहले फोन कर नहीं सकी, तेरा फोन देखा था मैंने, फिर सोचा फुर्सत से करती हूँ। सब ठीक? हाँ, बस यही बोलने के लिए फोन किया था कि कल पैकिंग खोलने में और सामान जमाने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तू दुकान का काम देख, वैसे ही पिछले दिनों बहुत काम ले लिया मैंने तुझसे। दीदी, मैं तो बस आपके पास आने के बहाने ढूंढती रहती हूँ, काम तो होता रहेगा ना। अच्छा, इसलिए मैं भी ना अब एक पक्का इंतजाम कर रही हूँ कि तू हमेशा के लिए मेरे घर के पास आ जाए। शादी करके? दीदी आप भी ना तैयार है, लड़के से मिलना होगा। आप दीदी इस बारे में आपने जीजू से पूछ तो लिया ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वरना पिछली बार की तरह फिर नाराज हो जाएंगे कि इनके लाए रिश्ते की जान पड़ताल मैंने क्यों नहीं की। अरे मेरा काम था क्या ये सब? सब तो ये मैनेज कर रही थी ना, सब कुछ आता है इनको, बहुत समझदार रही है, दुनिया भर की जिम्मेदारी लेने का बहुत शौक है इन्हें। दीदी हेलो, आप सुन रही है ना? अरे तू फिकर मत कर, उन्हें बिना बताए इस बार मैं कुछ नहीं करने वाली। बात कर लूंगी खाना बनाने के बाद, टाइम मिला तो आज ही पूछ लूंगी। ठीक है। अदित ने हमारी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी, बेटा हमेशा खुश रहो, अपनी मेहनत से हमें इतने बड़े घर में ले आए, बस अब हमारी एक इच्छा है, उसे पूरी कर दो। बोलिए ना अम्मा। बेटा हम वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं, देखो ना मौसम भी कितना अच्छा है, बस हमारी टिकट का इंतजाम करवा दो। मैं भी जाऊंगी दादी के साथ। मैं भी। ठीक है बाबा। अम्मा मैं जानता हूँ आपकी बहुत इच्छा है, पर इसमें पैसे की पोजीशन थोड़ी टाइट है, तो क्या है ना घर के चक्कर में बहुत खर्चा हो चुका है, आप इस महीने की जगह अगले महीने चले जाइए, तब तक मेरी सैलरी भी आ जाएगी और मुझे कुछ बोनस भी मिलने वाला है। हाँ इस महीने बच्चों की 3 महीने की फीस भी जानी है अम्मा, बहुत बड़ा खर्चा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम अगले महीने चले जाएंगे। बेटा हम समझते हैं, हमने भी घर चलाया है, ऐसे अचानक से खर्चे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, खाना खाओ। जी। अरे गायत्री का फोन, कार्तिक ठीक तो होगा? हेलो। हाँ गायत्री, कार्तिक ठीक तो है ना? सुनो, क्या हुआ मां, सब ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है सब कुछ ठीक है या फिर कल पार्टी में जो हुआ वो ठीक हुआ? जिया जैसी लड़की को तुमने पार्टी में इनवाइट क्यों किया कार्तिक? मां ऐसा क्यों कह रही है, जिया तो मेरी फ्रेंड है, आप जानती है उसे, और वैसे भी मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को तो इनवाइट किया था। लेकिन जिया कुछ ज्यादा ही खास नहीं है, अजीब दोस्त है वो तुम्हारी, कुछ ज्यादा ही हिम्मत है उसमें जो किसी और में नहीं है। क्यों माँ, ऐसा क्या किया उसने? कार्तिक तुम्हारी ठंडाई में भांग मिलाकर उसने तुम्हें पिला दी। क्या? बेटा तुमको होश नहीं है, मगर मैंने देखा अपनी आंखों से, तुम मना कर रहे थे और वो लड़की जबरदस्ती तुम्हें भांग पिला रही थी। अभी भी कब से ठंडाई का गिलास लेकर घूम रहे, पकड़ो इसे, कंप्लीट करो, चल कब आओ, गुड बॉय, फिनिश इट, चल। हाँ उसने मुझे ठंडाई पिलाई थी, मुझे याद है, लेकिन उस ठंडाई में
भांग थी ये, आप कैसे कह सकती हैं माँ? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती माँ, बल्कि वो तो आप ही से मिलने आई थी यहाँ। बहुत भरोसा है ना तुम्हें उस पे, अपनी माँ से भी ज्यादा? नहीं माँ, आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं। सबूत देना पड़ेगा तुम्हें। माँ सबूत की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही किसी लड़की को बदनाम नहीं करूंगी कार्तिक, मगर हाँ अपने बेटे को उस हर एक लड़की या लड़के से दूर रखूंगी जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर चाहे तुम उसे दोस्त मानो या बहुत करीबी दोस्त। और हाँ, उस जिया से तुम नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिलोगे, ये तुम्हारी माँ का हुक्म है। माँ प्लीज। अब आओ और नाश्ता कर लो, कल रात से कुछ नहीं खाया है तुमने, जल्दी आ जाओ। क्यों आ गई? आप सबको नाश्ता करा रही थी ना? ये सब सामान मैं अरेंज कर दूंगी, आप जाइए। करा दिया नाश्ता, अब तू भी जल्दी से काम खत्म कर और कुछ खा ले। वो तब तो होते रहेगा। वैसे मैं क्या कह रही थी, ये जो है ना, ये यहाँ रखते हैं और फ्रेम को यहाँ रख देंगे। हे माता रानी, मैं आदि जी का लैपटॉप था, टूट ना गया हो? सॉरी सॉरी दीदी, पता नहीं कैसे। अब देखिए ठीक तो है ना? ऊपर से तो ठीक ही लग रहा है। लाइट भी जल रही है। हे माता रानी, कुछ ना हुआ हो इसे, आदि जी तो इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखते हैं। ठीक है, क्या हुआ दीदी, टूट गया है क्या? ये क्या है? इतनी सुंदर चेन आदि जी लाए? ये किसके लिए लाए हैं? आपके लिए होगा ना दीदी, और किसके लिए होगा? मेरे लिए आदि जी कभी इतनी महंगी चीज नहीं लाए। पहले कभी नहीं लाया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी नहीं लाएंगे। जीजू ने घर भी तो पहली बार लिया है ना, हो सकता है गृह प्रवेश की खुशी में वो आपको ये गिफ्ट देना चाहते हो। नहीं नहीं लक्ष्मी, वो ये सब नहीं करते कभी, उनका स्वभाव अलग है, गिफ्ट नहीं देते वो कभी। क्यों नहीं दीदी, इतने सारे लोगों का खाना बनाकर आपने उनकी इज्जत बचा ली और मेहमान भी कितना खुश थे, तो एक गिफ्ट तो बनता है। आदित, आई मस्ट से तुमने तो मुझे अपने देश का स्वाद चखवा दिया यार, माँ की याद है इन मसालों में। यस सर, शी कुक्स रियली वेल। मंगल, मेरे सामान के साथ क्या कर रही हो तुम? मेरा लैपटॉप ऐसे बाहर क्यों रखा है? जीजू, दीदी ने नहीं लिया, वो तो मेरे हाथ से आपके लैपटॉप का बैग गिर गया, सामान रख रही थी तब, वो तो बस देख रही थी कि ठीक है या नहीं। गिर गया मतलब? Oh my God! मंगल, मेरे ऑफिस के सामान से दूरी रहा करो, पता नहीं लैपटॉप ठीक भी है या नहीं। लैपटॉप ठीक है, हमने देख लिया था। जीजू, आपका सरप्राइज हमको पता चल गया, इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है ना? क्या देखा?
सरप्राइज? कुछ नहीं आदि जी, लक्ष्मी मजाक कर रही है, आप जाइए। नहीं मजाक नहीं जीजू, मैं तो बस ये कह रही थी। लक्ष्मी सोचती नहीं है ना बोलने से पहले, आदि जी ऑफिस जा रहे हैं और तू भी ना। दीदी मैं तो बस ये कह रही थी कि लक्ष्मी आदि जी का लैपटॉप गिर गया और तू अलग ही बात लेकर बैठ गई, कल रात से ऑफिस के काम में व्यस्त है। तू भी ना कभी मेरी बात भी सुन लिया कर, बड़ी बहन हूँ तेरी। चल अभी हॉल का भी काफी सामान बाकी है जो रखना है, तुझे दुकान पर भी जाना है, जल्दी कर। लो आदि जी अपनी जरूरी फाइल तो यही भूल गए, देर रात तक किसी फाइल पर काम कर रहे थे। हे माता रानी उनका काम ना अटक जाए, क्या करूं, फोन करूं क्या, पापा को पूछूं क्या, वो दे आएंगे। दीदी मैं हूं ना, जीजू का ऑफिस मेरे रास्ते में ही पड़ता है, मैं दे आऊंगी, टेंशन मत लो, लाइए। ठीक है थैंक यू, ध्यान से लेकर जाना। मंगल दीदी तो पूछेंगी नहीं ना पूछने देंगी, मैं ही जीजू से पूछ लूंगी एक बार, वो चेन दीदी के लिए है ना।